अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 6। अधिमास को लेकर के भगवान विष्णु गोलोक की ओर चले। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित पुरुषोत्तम के जब उन्होंने दूर से देखा तो उसके प्रकाश से उनके नेत्र बंद हो गए। फिर भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की तरफ चले। अधिमास के साथ मंदिर के पास जाकर भगवान विष्णु हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर की ओर चले और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुष को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार करके वे पास में खड़े हो गए। उसके पश्चात वे बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी, विकार रहित करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, हे मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कृत श्री विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराया। तब श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहां से आया है और क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और इसकी आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं? यह इतना दुखी होकर के हमारे सम्मुख क्यों खड़ा है? नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन करके सिंहासन से उठकर महाविष्णु ने मलमास की संपूर्ण दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, इस अधिमास के दुख को मैं आपके समक्ष कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करिए। यह अधिमास सूर्य संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मृत्यु के लिए तैयार हुआ, तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर के हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से ये मेरे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते इसने अपना सारा दुख जाल मुझसे कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों के दुख को आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं हो सकता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना भला कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर मैं इसको लेकर आपके पास आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसी नीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इति वृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षष्ठो अध्याय समाप्त। नमो नारायण।